fragmenting your heart. With time, your hard disk become a fragmented and the bloated with the absolute and the invalid data that the causes errors, slowdowns and the freezing of your system. समय के साथ साथ हमारा हार्ड डिस्क जो होता है हार्ड डिस्क हमारा खंडित और अप्रचलित के साथ पुराने ढंग का हो जाता है, यानी कि कार्य करना स्लो रनिंग जो होता है उसका स्लो होने लगता है. इनवैलिड डाटा और कुछ हमारे जो सूचनाएं होते हैं, कुछ डाटा होते हैं वो इनवैलिड हो जाते हैं जो कुछ त्रुटियों के कारण बनता है, जिससे हमारा डाटा जो होता है वो इनवैलिड हो जाता है. स्लो डाउन्स एंड द फ्रीजिंग ऑफ योर सिस्टम, और जो हमारा सिस्टम होता है वो बिल्कुल जग का थक पड़ जाता है, यानी कि जो कभी कभार हम जो कार्य कर रहे हैं वो बिल्कुल वहां से हिलता नहीं है. अगर हम चाहें कि उसे शट डाउन करें तो फिर जैसे का तैसे वैसे ही पड़ा रहता है. स्लो डाउन और रनिंग जो होता है कार्य करने की जो उसकी क्षमता होती है वो बिल्कुल स्लो हो जाती है. टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम डी फ्रेगमेंट योर दी कंप्यूटर हार्ड डिस्क, यानी कि इस समस्या से हमें उभरने के लिए हमें अपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से डिफ्रेगमेंट करना चाहिए. यू शुड डिफ्रेगमेंट द हार्ड डिस्क एटलीस्ट वन इन अ मंथ, यानी कि ये ट्रीटमेंट डिफ्रेगमेंट हमेशा करनी चाहिए, यानी कि महीने में एक बार जरूर करनी चाहिए. अब हम जानेंगे कि ये डिफ्रेगमेंटेशन है क्या. तो डिफ्रेगमेंटेशन इज अ प्रोग्राम दैट रीअरेंज The files stores in the logic order for the occupying the attached storage locations to the increase the speeds of the computer. यानी कि ये जो defragmentation है यह एक system tool है, इसकी सहायता से disk को defragment करते हैं, यानी कि disk में जो फैली हुई files होती हैं जो अव्यवस्थित रूप से होते हैं, जिससे कंप्यूटर्स की स्पीड, जैसे कि ये मैंने अभी बताया कि स्लो डाउन और फ्रीजिंग ऑफ योर सिस्टम, यानी कि कार्य करने की जो क्षमता होती है वो बिल्कुल स्लो हो जाती है, जिससे कंप्यूटर की स्पीड जो होती है वो स्लो रहती है. तो इसको इससे स्पीड को इंक्रीज किए जा सकते हैं. स्टोरेज लोकेशंस टू इंक्रीज द स्पीड्स ऑफ द कंप्यूटर, जिससे कंप्यूटर की स्पीड तेज हो जाती है. इस टूल्स का प्रयोग कंप्यूटर में लगभग एक महीने में एक बार जरूर करनी चाहिए. मैं कहूँगी कि 15 दिन में ही करनी चाहिए. इसके लिए टू रन द डिस्क डिफ्रेगमेंट इन द कंप्यूटर फॉलो दिस स्टेप्स. इसको हम अपने कंप्यूटर में कैसे करेंगे इसके लिए नीचे स्टेप्स दिए गए हैं. स्टेप 1 क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. स्टेप 2 क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स. स्टेप 3 क्लिक ऑन एक्सेसरीज. स्टेप 4 क्लिक ऑन द सिस्टम टूल. स्टेप 5 क्लिक ऑन द डिस्क फ्रेगमेंट. स्टेप 6 क्लिक ऑन द फिगर शेड्यूल. द डिस्क फ्रेगमेंट टू मॉडिफाई द शेड्यूल डायलॉग बॉक्स. देखिए ये रहा हमारा डायलॉग बॉक्स. डिस्क फ्रेगमेंट मॉडिफाई शेड्यूल डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. लुक एट हियर डिस्क डिफ्रेगमेंट शेड्यूल कॉन्फिग्रेशन. स्टेप 7 क्लिक ऑन द चेकबॉक्स ऑफ रन ऑन द शेड्यूल. ये रहा हमारा स्टेप 7. स्टेप 8 क्लिक ऑन द डाउन एरो ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड देन सिलेक्ट द फ्रीक्वेंसी इन विच यू वॉन्ट टू द डिफ्रेगमेंट डेली वीकली और मंथली. यहाँ मैंने देखा फ्रीक्वेंसी दिया गया है. ये रहा एरो. इस एरो पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ दिया रहेगा डेली वीकली एंड मंथली चार्ट, जिसको हम लोग क्लिक करेंगे. डेली करना होगा तो डेली वीकली देन मंथली. नेक्स्ट स्टेप
9. Click on the down arrow of day and then click on the day of the month. यहाँ दिया रहेगा day. क्लिक करोगे 1 to 31, इसके अकॉर्डिंग डे हम लोग करेंगे. फिर टाइम, स्टेप 10 जो है टाइमिंग के लिए, स्टेप 10 क्लिक ऑन द डाउन एरो ऑफ द टाइम एंड देन क्लिक ऑन द टाइम ऑफ द डे, रन द डिफ्रेगमेंट. लुक एट हियर 1 AM, ये एरो के अकॉर्डिंग हम लोग क्लिक करेंगे. उसके बाद हमारा स्टेप्स 11 जो है, क्लिक ऑन ओके, ओके एंड कैंसिल. अगर आप सेटिस्फाइड हो, डन है, तो आप ओके करोगे. अगर कहीं मिस्टेक हो गया तो आप उसको कैंसिल भी कर सकते हो. स्टेप 12, इफ यू वांट टू डिफ्रेगमेंट योर ड्राइव नाउ, क्लिक ऑन डिफ्रेगमेंट नाउ. अगर आप चाहते हो कि आपका ड्राइव भी डिफ्रेगमेंट हो तो क्लिक ऑन द डिफ्रेगमेंट नाउ. स्टेप 13, क्लिक ऑन ओके.